हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलन एज अ फ्रैक्शन। हमें इसको किस में लिखना है? फ्रैक्शन में लिखना। हमारे पास देखो 0.6 है। इस केस में हमें देखना कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, उतने जीरो नीचे बढ़ेंगे। अब देखो वन तो हम लगा ही सकते हैं, वन लगाने से हमारे अपॉन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जैसे मैं पॉइंट हटा हूँ, यहाँ से पॉइंट के बाद डिजिट गिनो भाई कितनी है, एक ही डिजिट है यहाँ, तो एक ही जीरो बढ़ेगा। तो ये हमारा हो गया 6/10। पॉइंट से पहले जितने भी जीरो उनका कोई मतलब नहीं होता। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया 6/10। ये हमारा आ गया फ्रैक्शन में। देखो एक जीरो क्यों आया भाई, वन तो हम लगा सकते हैं, वन तो आप किसी के नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन एक जीरो कहाँ से आए, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट थी, इसलिए एक ही जीरो आया, तो 6/10 हो गया। अब देखो जैसे यहाँ 0.02/1 हमने लगा लिया, इस वन का अपॉन में कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन तब तक मतलब नहीं हो, जब तक नहीं होता मतलब, जब तक ये सिंगल है। जैसे इसके बाद जीरो लग जाएंगे, टू लग जाएगा, इसका नंबर बन जाता। अब पॉइंट हटाए हमने, पॉइंट वाला डिजिट गिनो, वन और टू, कितनी वन और टू डिजिट भाई, दो जीरो नीचे बढ़ेंगे, तो हमारा आ जाएगा 2/100। इस जीरो को कोई मतलब नहीं होता, आगे पीछे तो मतलब होता है, लेकिन आगे मतलब नहीं होता। आप 0004 लिखो तो 4 ही गिना जाएगा। ओके, अब देखो 0.16, वन लगा दो, इसको हटा दो, कितने जीरो, कितने डिजिट है, वन टू, तो टू जीरो, कितना हो जाएगा 16/100। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। देखो 0.009 है, वन लगाया हमने, पॉइंट हटाया, कितना, वन टू थ्री, वन टू थ्री, जितने ऊपर डिजिट पॉइंट के बाद उतने नीचे जीरो बढ़ेंगे, तो 9/1000 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 0.053, वन लगाया हमने, जैसे हमने हटाया, वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो हमारा आ गया 53/1000। पॉइंट जीरो आगे लगा के कोई फायदा नहीं होता, पीछे तो हम लगाएं तो नंबर बढ़ेगा लेकिन आगे कुछ नहीं होता उससे। ओके, 0.0108, जैसे हटाया, वन टू थ्री, वन टू थ्री, कितना आ गया, 108/1000 हो गया। 0.754, पॉइंट हटाया, वन टू थ्री, वन टू थ्री, कितना हो गया, 754/1000 हो गया। 0.91, जैसे हटाया, वन टू थ्री, वन टू थ्री, कितना आ गया, 910/1000। ये हमारा फ्रैक्शन में हो गया। ओके,